हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मैं एक आप सभी से बात शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी शेयर में अपने पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक लार्ज क्वांटिटी में इन्वेस्ट ना करें, इतना ही लॉस लें जिसके साथ आप जाके रात को शांति से सो सकें। बहुत ही ज़्यादा पैसे ना लगाएं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट मान लीजिए 10,000 रुपये है तो आप उसका 1,000 से ज़्यादा रिस्क ना लें। अगर आपके जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर 1,000 से ज़्यादा का रिस्क होगा तो वो 10% से ज़्यादा का रिस्क हो जाएगा एक ही शेयर के ऊपर। तो ऐसा ना करें, आप उससे कम का रिस्क लें और थोड़ा समय दें मार्केट को भी और ख़ुद को भी। पैसे आएंगे लेकिन अगर आप अपना जो भी क्वांटिटी है और जो रिस्क है उसे मैनेज करेंगे तो अच्छे से आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। सो यही मुझे आप लोगों से बोलना था। और एक बात और, मैं जो भी यहाँ पे ये एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप अगर इसमें किसी भी शेयर में अपनी कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो अपने रिस्क पे बनाएं और अपने टेक्निकल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार बातचीत करके ही इसमें इन्वेस्ट करें। चलिए हम आज का वीडियो यहाँ पे फिर शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो शेयर है वो है अशोक लेलैंड। तो आप सभी को पता ही है अशोक लेलैंड एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्स करती है। तो ये यहाँ पे देखिए 2018 से 2018 अप्रैल 2018 से ये जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉल बना हुआ था, ये जो अभी कोरोना की वजह से मार्केट डाउन गया था एंड फिर यहाँ पे आके इसने पॉज लिया, फिर नीचे गया लेकिन इस बार उतना नीचे नहीं गया एंड फिर एक बार क्रॉस करने की कोशिश किया यहाँ पे और फिर यहाँ पे फाइनली लास्ट वीक इसने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद क्लोजिंग एकदम ट्रेंड लाइन के पास दिया है, अपर ट्रेंड लाइन के पास, एंड दिस वीक इसने सक्सेसफुली इसको क्रॉस कर लिया है। तो गुड न्यूज़ यू ये है कि सक्सेसफुली इसने क्रॉस तो कर लिया है लेकिन जो ये कैंडल इस वीक का फॉर्म हो रहा है, आज है वेनसडे तो ये बहुत नीचे आ चुका है। सो हमें ये ऑब्जर्व करना है इसमें, जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो और नेक्स्ट वीक का जब कैंडल फॉर्म होगा तो अगर वो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे पोजीशन मिल सकता है क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होने वाला है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, जो कि 131 या 130 अपने अनुसार जितना आप रिस्क ले सकते हैं वो ट्रेंड स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए। और जो हमारा टारगेट हो सकता है वो बहुत ही अच्छा, लाइक ऑल टाइम हाई हो सकता है 160 167, क्योंकि शेयर में दम है इसीलिए यहाँ पे ये शेयर टिका हुआ है। ओके, एंड बहुत बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और डेली कैंडल पे एक बार हम चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे पॉज लिया और पॉज लेने के बाद एक अच्छा कैंडल बनाया। लेकिन क्योंकि ये शेयर यहाँ से 120 से 140 गया है तो जो भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर जिसने भी यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, हो सकता है यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो और थोड़े नए सेलर आए हों। तो अगर ये यहाँ पे आके इस ट्रेंड लाइन के पास आके एक नया कैंडल ग्रीन कैंडल बनाता है तो एक बढ़िया बाई हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा होने वाला है। देखिए एक यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ये ट्रेंड लाइन था, इसको इसने बहुत सक्सेसफुली बहुत ही अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है ना, ये वीकली वाले को भी अच्छा ब्रेकआउट दिया है तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक हो सकता है हमारे लिए और शेयर भी सस्ता है। तो एक स्टॉप लॉस लगाइए 2 से 3 रुपए का एंड टारगेट का अपना वेट करिए जितना आपको लगे, मिनिमम आपको 1:2 बुक करना ही है यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है? या फिर 1:2 मिलना चाहिए या फिर अपना स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए। अनलेस अनटिल कोई न्यूज़ आता है और मार्केट बहुत नीचे जाता है तो उस समय आप अपने अनुसार कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था आज का पिक। चार्ट पैटर्न बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और जब भी ट्रायंगल पैटर्न बनाता है तो
ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, उसका डबल प्रॉफिट होता है। तो मेरा क्या सोचना है कि ये यहाँ से ऐसे आएगा और इस ट्रेंड लाइन से, या फिर इस ट्रेंड लाइन से होके ऐसे निकल जाएगा ऊपर की तरफ। तो आने वाले समय में ऐसा ही कुछ चार्ट यह बनाने वाला है, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से या फिर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो आप इसको, अशोक लेलैंड को, अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एक पिक हो सकता है। देखिए, इसलिए पहले से बोल रहा हूँ कि आपको अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है, क्योंकि ये जब यहाँ पे आके टच करेगा, हो सकता है कल ही टच करके ऊपर की तरफ निकल जाए, हो सकता है एक हफ्ते बाद हो। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो हमें एक हाथ से एक मौका निकल जाता है। मान लीजिए कि आके यहाँ से टच करके निकलता है और हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं, और हमें ये बात यहाँ पता चली हुई, तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो स्ट्रेच हो जाएगा, और जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए वो अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें ये इसको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। और थोड़े पैसे अगर आपको कमाने हैं तो लगभग कुछ नहीं तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा एक दिन में आपको देना चाहिए, ठीक है? तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अच्छा पिक हो सकता है, ठीक है? तो देखिए, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एंड अपने दूसरे भी दोस्तों को, रिलेटिव को भी अमीर बनाने के बारे में सोचिए, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी एक छोटे से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होने वाला है, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।